ये कहानी है त्रेता युग के महान विष्णु अवतार भगवान श्री राम और महाबली हनुमान की। उस समय के एक महान तेजस्वी राजा दशरथ सपरिवार एक अत्यंत सुंदर नगरी में रहा करते थे और उस नगरी का नाम था अयोध्या। अयोध्यापति दशरथ के चार पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ थे तेजस्वी, करुणा मूर्ति, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अयोध्या के इस पराक्रमी राजकुमार ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। शिव का धनुष तोड़ प्रभु आज बने सियावर राम। जहां अयोध्या में एक तरफ हर्षोल्लास का वातावरण था, वहीं दूसरी तरफ मंथरा के भड़काने पर माता कैकेयी ने दशरथ से अपने दो वरदान मांगे, पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ व्यथित हो गए, शरीर से जैसे किसी ने प्राण ही निकाल दिए। पर राम आज्ञाकारी थे, सीता और लक्ष्मण ने भी प्रभु के साथ वनवास काटने का निश्चय किया। त्याग गुरु है, त्याग पिता है, त्याग धर्म जीवन का। राजसी वैभव को त्याग उन्होंने साधारण वनवासियों की तरह 13 वर्ष व्यतीत किए। वन में राक्षसी सूर्पनखा ने अप्सरा का रूप धारण कर राम को मोहने का प्रयास किया। ये देख क्रोधित लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काट दी। रोती बिलखती सूर्पनखा इस घटना का विवरण करने पहुंच गई अपने भाई के पास लंका नगरी में। इस लंका नगरी का राजा था 100 हाथियों की शक्ति वाला मायावी महाबली अहंकारी लंका नरेश दशानंद रावण। क्रोध की आग में जलते दशानंद रावण ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। मायावी मामा मारीच के सहयोग से रावण ने छल कपट का प्रयोग कर सीता का हरण किया और उन्हें लंका नगरी ले आया। इधर सीता जी को कुटिया में न पाकर राम व्यथित हो गए। उनकी खोज में राम और लक्ष्मण जंगल में निकल पड़े। यहीं उनकी भेंट अंजनी पुत्र महाबलशाली वानरों के स्वामी श्री हनुमान से हुई। माता सीता को ढूंढते हुए हनुमान को स्वयं की दिव्य शक्तियों का एहसास हुआ। अद्भुत शक्तियों वाले इस महाबलशाली राम भक्त ने पल भर में ही समुद्र को लांग कर लंका नगरी में प्रवेश किया और पहुंच गया अशोक वाटिका माता सीता के पास। देखी पवन सुत मन मुस्काए और मन ही मन
कीन्ही प्रणाम। राम की राह देख रही सीता माता को हनुमान ने राम का स्मृति चिन्ह दिया और उन्हें वचन दिया कि राम उन्हें शीघ्र ही स्वयं लेने आएंगे। हनुमान को वहां देख रावण ने बनाया उन्हें बंधी, लगवाई उनकी पूंछ में आग, उसी पूंछ से कर दिया हनुमान ने रावण की लंका का सर्वनाश। हनुमान द्वारा जब श्री राम को पता चला कि सीता जी अशोक वाटिका में बंदी है तो उन्होंने लंका जाने का निश्चय किया। प्रभु श्री राम की कृपा से चमत्कार हुआ, पानी में पत्थर तैरे और राम सेतु बना। अनंता कहा ही सुन ही बहुत के साथ हरि की कथा सुनाई लंका नगरी। युद्ध भूमि में लड़ते हुए लक्ष्मण मूर्छित हो गए, उनके प्राण बचे। हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढते हुए पूरा पर्वत ही उठा कर लिया। देखा औषध चिन्हा सहस कपि में संपूर्ण वानर सेना रावण की सेना पर भारी पड़ी। अंततः अत्यंत क्रोधित रावण अपने दशानन अवतार में स्वयं युद्ध भूमि पर प्रकट हुआ। राम और रावण में घमासान युद्ध हुआ। रावण जैसे वीर पराक्रमी और मायावी योद्धा को युद्ध भूमि में हराना असंभव दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी विभीषण ने नाभि में प्राण के रहस्य की जानकारी राम को दी। बस एक ही बाण से राम ने अहंकारी दुष्ट रावण का वध कर दिया। पूरा हुआ 14 वर्ष का वनवास और अयोध्या में शुरू हुआ राम राज्य। हर्षोल्लास से किया प्रजा ने राजा का स्वागत और हनुमान ने किया स्वयं को राम के शरणागत। जय श्री राम। दशरथ नंदन श्री राम की। दशरथ नंदन श्री राम की। दशरथ नंदन श्री राम की।
अजर बिहार।